शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात से लगे वो, शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात पे श्री अरविंदर सिंह लवले कांग्रेस पार्टी। भाई एक बारी मेरी सबसे गुजारिश है कि पहले पीछे पीछे आ जाएं, पीछे पीछे आ जाएं, बैठ जाएं आप बैठ जाएं। शत्रुघ्न जी आपके लिए आए हैं, आपके साथ हैं, आप अनुशासन बनाएं, पीछे बैठ जाएं, आप सब बैठे भैया। ऐसा है, अरे आप छोड़ दो, माइक मत चलाओ, बंद 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 बस बस। अब एक बार जोरदार ताली से स्वागत करो, पता लगना चाहिए गांधीनगर आए हैं। हाथ ऊपर करके जरा, मैं सीधा मैं सीधा आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी से, जो हमारी ना केवल पार्टी के लीडर है, मेरे बड़े भाई की हैसियत से भी वो यहाँ आए हैं, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात पे हाथ पे, बहुत जान है इस सभा में, बहुत ही जान है, वाह, इतना जानदार शानदार और दमदार, ये सिर्फ हमारे अरविंदर सिंह लवली जिनके बारे में कह सकता हूं, दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। तो बहुत जान है भाई, ये तो साफ दिख रहा है कि ये अरविंदर सिंह लवली जी की चुनाव प्रचार की सभा नहीं हो रही है, बल्कि साफ महसूस हो रहा है कि अरविंदर सिंह लवली जी के चुनाव का विजय समारोह मनाया जा रहा है। ये तो अभी ये शुरुआत है, ये देखिए ये सैलाब, जन सैलाब, ये कांग्रेस के प्रति जन सैलाब, ये युवा हृदय सम्राट अरविंदर सिंह लवली, ये जिंदाबाद अरविंदर सिंह लवली, ये तो नतीजा सामने आ चुका है। जो लोग देश को बांटने का आज काम कर रहे हैं, जो लोग देश के विभाजन की कोशिश कर रहे हैं, उनको आके आज देखना चाहिए, जो कह रहे हैं लोगों से कि आप हिंदुस्तान के साथ हैं कि शाहीन बाग के साथ हैं, समझना चाहिए शाहीन बाग भी हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का ही अंग शाहीन बाग है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। हमारे देश की जनता जो है और खासकर दिल्ली के दमदार लोग, ये संविधान के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, ये नहीं चाहते हैं कि CAA हो कि NRC हो जो अनार्की पैदा कर रही है, या NPR हो उसके खिलाफ हैं, और ये साथ हैं देश की युवा शक्ति, देश के तमाम दमदार लोग, हमारे नेता जैसे अरविंदर सिंह लवली हो, ये सब लोग साथ दे रहे हैं भारत के संविधान का, भारत वर्ष का, दिल्ली का, तमाम युवा शक्ति का और तमाम सारे लोगों का। इसलिए
उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये पंचायत की घड़ी है, यहां फैसला करना है कैसा समाज चाहिए, कैसे लोग चाहिए जो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, या वो लोग अरविंदर सिंह लवली या युवाओं के रोल मॉडल राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो आज देश को एक कर रही है और उसी एक करने की प्रक्रिया में मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, मैं आपका अपना बिहारी बाबू, तभी कहा था ना बहुत जान है इसीलिए कहा था। तो बिहारी बाबू का आना रंग लाएगा, अरविंदर सिंह लवली आगे जाएंगे। मैं आपके तरफ से अभी ये समा देखकर मैं ये समा देखकर मैं अभी आपकी तरफ से आप कहें तो अभी विजय का हार इनको पहना दूं। विजय निश्चित है और अपनी जोरदार तालियों से बताइए कि विजय सुनिश्चित है। वाह, मैंने ठीक कहा था, दमखम वही, चमखम वही, कदकाट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। माला लाओ, माला। यह आपकी तरफ से ये विजय का हार अरविंद सिंह लवली के लिए है और जोरदार तालियों से बताइए ताकि आपके विजय समारोह में शामिल होने फिर से मैं आपका अपना बिहारी बाबू भी यहां आपके सामने आऊंगा जल्द से जल्द। वाह बहुत बढ़िया, वाह। लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादां भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी न बरतो साहेब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। आइए नए समाज की ओर, नई दिशा की ओर और सही दिशा की ओर अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में चलें। आज की शाम अरविंदर लवली के नाम, जीत आपकी, विजय आपकी और हम सब आपके और आप हमारे। और अब जब कार्यक्रम खत्म हो रहा है तब खामोश, तभी तो कहा था बहुत जान है, बहुत जान है। बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न सिन्हा का और जी का, और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और एक बार जो है हमारे गांधीनगर में पधारे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के उनका स्वागत करें। अरविंद सिंह लवली हमारा विधायक कैसा हो, अरविंद सिंह लवली हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, अरविंद सिंह लवली जैसा हो, लवली जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, लवली जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, हाजी नासिर की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, गांधीनगर की बात पे हाथ पे लग गई मोहर। भाई नीचे सभी ध्यान रखे अपना अपना।